ग्वालियर की बेटी प्राची यादव ने वर्ल्ड कप में मेडल हासिल कर मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। बता दें कि ग्वालियर की बेटी प्राची यादव एक दिव्यांग खिलाड़ी है जिसने पोलैंड में आयोजित होने वाले पैरा कैनो वर्ल्ड कप में ब्रोंज मेडल हासिल किया है। बता दें कि प्राची की इस उपलब्धि के साथ ही वो देश की पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई जिसने इस खेल में मेडल हासिल किया है। वहीं इस मौके पर प्राची के पिता जो JS यादव की आंखें खुशी से नम हो गई। खिलाड़ी प्राची के पिता का कहना है कि वो बचपन से ही दिव्यांग थी, वो चल नहीं सकती थी। ऐसे में उसे एक सामाजिक संस्था द्वारा संचालित दिव्यांग स्कूल में भर्ती कराया गया जहां उसे राष्ट्रीय खेल संस्थान LNIPE में तैराकी सीखने को मिली, जिसके बाद प्राची ने कयाकिंग और कैनोइंग खेल में तैयारी शुरू की और देखते ही देखते प्राची ने ग्वालियर के साथ देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर दिया। मध्य प्रदेश में कैनो कयाकिंग के गेम में ये पहली महिला है जो पहली बार ये मेडल आया है। अभी तक किसी भी पार्टिसिपेंट ने जब से शुरुआत हुई है इसकी कैनो कयाकिंग की कोई मेडल प्राप्त नहीं किया है। तो इसके द्वारा काफ़ी मेहनत करने के बाद अभी 26 से 29 तारीख मई में जो इवेंट हुआ है पोलैंड में वर्ल्ड कप का, इसमें जो है इसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। बहुत अच्छा लगा है, बहुत कड़ी मेहनत के बाद मिला है, मुझे बहुत खुशी हुई है। बचपन का संघर्ष तो ये है कि पैदाइशी ये दिव्यांग थी तो इसकी पढ़ाई काफ़ी लेट शुरू हुई थी। सामान्य स्कूल में भर्ती करने की मैंने कोशिश की तो उसमें इसको नहीं लिया गया, तो फिर एक दिव्यांग स्कूल है अमर ज्योति तो उसमें इसको भर्ती कराया गया। तो उसके बाद इनको ये दिव्यांग बच्चों को ये सुविधा है अमर ज्योति में कि LNIPE में ये प्रैक्टिस कराने के लिए भेजते हैं, तो उससे प्रैक्टिस कराने की शुरुआत हुई तो इससे जो फिजिकल रूप से इसको काफ़ी लाभ मिला। और उसके बाद जो क्षेत्रीय टूर्नामेंट होते हैं स्विमिंग वाले तो उसकी इसने शुरुआत की, और उसके बाद धीरे धीरे फिर इसने स्टेट लेवल पे फिर नेशनल लेवल पे मेडल भी जीतना चालू किए।